एनटीपीसी वर्तमान में देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। एनटीपीसी का ध्येय न केवल देश के लिए बिजली उत्पादन कर देश की प्रगति में अपना योगदान देना है, बल्कि अपने नैगम सामाजिक दायित्व को निभाते हुए एनटीपीसी और उसके आसपास रहने वाले समुदायों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव लाकर उन्हें प्रगति के पथ पर अग्रसर करना भी है। एनटीपीसी फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन की स्थापना 1997 में 432 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी के साथ किए गई थी। ये एनटीपीसी लिमिटेड में एपीसी और हीट रेट में बेंचमार्किंग के साथ सबसे अच्छा गैस पावर स्टेशन है। ये ब्लैक स्टार डीजी के साथ हरियाणा स्टेट की सेवा के लिए पूरे तरह से समर्पित है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एनटीपीसी समुदायों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने का सतत प्रयास हमेशा से करती रहती है। एनटीपीसी फरीदाबाद अपने सामाजिक दायित्व निर्वाह करते हुए फरीदाबाद जिले के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहा है। परियोजना अपने नैगम सामाजिक दायित्व को निर्वाह करते हुए आसपास के ग्रामों में स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य के साथ साथ ग्रामीण वासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एनटीपीसी फरीदाबाद के एक ऐसे ही प्रयास का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नवपथ कौशल विकास केंद्र। नवपथ आज एनटीपीसी फरीदाबाद परिसर और उसके आसपास सीएसआर गतिविधियों के लिए एक मिसाल के रूप में उभरा है। नवपथ सामाजिक परिवर्तन और सतत विकास का एक साधन है जो बड़े पैमाने पर समुदाय को विकास की ओर ले जाता है। ये नए अवसर के साथ साथ अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने का मंच है। यहाँ सिखाया जाता है कि कौशल विकास से रोजगार के द्वार खुलते हैं। वर्तमान में एनएसआईसी के माध्यम से आसपास के गांवों की 150 लड़कियों और महिलाओं के लिए नवपथ कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रोजगार की राह पर आगे बढ़ने और अपने लिए सही मार्ग चुनने के लिए गारमेंट्स डिजाइन और सिलाई, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स और हेयर एंड स्किन केयर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रशिक्षणार्थी को संबंधित विषय में गहन जानकारी दी जाए, जिससे आगे चलकर उसे अपना रोजगार करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। एनटीपीसी फरीदाबाद के सीएसआर कार्यक्रम ने इनके सपनों में हकीकत के रंग भरे हैं और अब इनकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नवपथ कौशल विकास केंद्र द्वारा परियोजना के आसपास के गांवों की छात्राओं को सफलतापूर्वक व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने पर सिलाई मशीन वितरित की जाती है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनती हैं। शिक्षित हरियाणा परियोजना के द्वारा लाखों सरकारी स्कूल के छात्रों को कोविड-19 के दौरान शिक्षा प्राप्त करने में मदद की गई। राज्य सरकार द्वारा इसे वर्ष 2019-20 की सबसे प्रभावी सीएसआर पहल घोषित किया गया और ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। इस योजना के लिए एनटीपीसी फरीदाबाद ने 34 लाख रुपए अनुदान किए। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस के लिए क्लासेस का आयोजन और स्वयं सहायता समूह को सोया दूध उत्पादन का प्रशिक्षण आदि कार्य भी सीएसआर के तहत किए गए। ये सब तो हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज की रचना कर सकता है। एनटीपीसी फरीदाबाद ने अपनी सीएसआर गतिविधियों में स्वास्थ्य की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया। इसके लिए पिछले 10 वर्षों से नवपथ में आसपास के ग्रामीणों के लिए मुफ्त होम्योपैथिक क्लिनिक चलाया जा रहा है, जहां मुफ्त सलाह और दवा दी जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिगांव को कुर्सियों के सेट, बेड साइड टेबल, स्ट्रेचर, कूड़ेदान, अलमारी, टेबल, बेडशीट, सैनिटाइजर, मास्क और ऑक्सीमीटर भेंट किए गए, जिससे 10 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। एनीमिया जांच शिविर, नूह जिले में जन आरोग्य केंद्र को सहयोग दिया गया। देश जब कोरोना महामारी से जूझ रहा था तो एनटीपीसी फरीदाबाद ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और आगे बढ़कर न केवल इस महामारी की रोकथाम के लिए कारगर उपाय किए, बल्कि अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए परिसर के आसपास के समुदायों के लिए भी काम किया। आसपास के गांवों का सैनिटाइजेशन, संविदा कर्मचारियों और पारिवारिक सदस्यों के लिए कोविड टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया गया। प्रवासी मजदूरों, गरीब परिवारों और संविदा कर्मचारियों के लिए राशन वितरित किया गया। सरकारी स्कूल में पुस्तकालय की स्थापना के लिए बुकशेल्फ, बुक एवं फर्नीचर आदि प्रदान।
गांवों में ओपन जिम की स्थापना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार जिसमें सौर लाइटों की स्थापना, दिव्यांगों को सहायता उपकरण प्रदान करके उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना, सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण। आज एनटीपीसी देश को आत्मनिर्भर और प्रगति की राह पर आगे बढ़ने में भागीदारी देने के साथ समाज के हर वर्ग को आत्मनिर्भर और प्रगति की राह पर सरपट दौड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। एनटीपीसी फरीदाबाद के ये प्रयास आत्मनिर्भर समाज, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहे हैं।